हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्रैश कोर्सेज में। इस वीडियो में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। नीट में प्रत्येक साल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और जब तक मैं क्वेश्चन रीड करूँ, आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टिनल विलाई एमोंग फ्लोइंग। हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इंटेस्टिनल विलाई के लिए सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज डेपोजेज माइक्रोविलाई, ये करेक्ट है। इंटेस्टिनल विलाई पोजेज माइक्रोविलाई। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये भी करेक्ट है। सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लैक्टियल वेजल्स, ये भी करेक्ट है। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो विच वन इज नॉट ट्रू फॉर इंटेस्टिनल विलाई, दैट इज ऑप्शन डी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इन टू ड्यूडेनम एंड कैरिज। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में ओपन होता है और कैरी करता है बाइल, पैनक्रियाटिक जूस, बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, या फिर सलाइवा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। जो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट होता है वो उसमें होते हैं बाइल जूस भी और पैनक्रियाटिक जूस भी। डायग्राम से देख सकते हैं कि कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों ज्वाइंटली ओपन होते हैं ड्यूडेनम में, फॉर्म करते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट में क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस भी होगा और बाइल जूस भी होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज बोथ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इन चारों में से कोई एक डिजीज वो ऐसा है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है। फर्स्ट है टेटनस, सेकेंड डायरिया, थर्ड जॉन्डिस एंड फोर्थ इज डिसेंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेटनस। टेटनस डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं होता है, बाकी ये तीनों डिजीज एसोसिएटेड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर इज ए ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इज। वैसा ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड नहीं होता है, फर्स्ट ऑप्शन पेनक्रियास, सेकेंड एड्रिनल, थर्ड लीवर, या फिर फोर्थ सेलिवरी ग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड नहीं होता है, ये रिलीज करता है हार्मोन्स। ठीक है, बाकी तीनों पेनक्रियाज, लीवर एंड सेलिवरी ग्लैंड्स, ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, डाइजेस्टिव सिस्टम से। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द टू कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट अमंग ऑप्शन गिवन। कॉलम ए एंड कॉलम बी दे रखा है हमें और इन्हें मैच करना है। फर्स्ट है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, एक्चुअल्स में कुछ और ऑप्शन है जो नेक्स्ट पेज पे है, फिर भी देखते हैं। इसमें से एम्बेडेड इन जॉ बोन्स, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ट्रिकोडोंट टीथ के बारे में कहा जा रहा है, ट्रिकोडोंट टीथ के बारे में। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या फॉर्म करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मैच करेंगे एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड से। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो बी का यहाँ पे हम देख लेते हैं, बी का वन। नेक्स्ट पेज पे तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को किससे होगा, दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो हियर ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा फोर, कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। स्टोमेक क्या होता है, जे शेप्ड होता है, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। सी का क्या हो जाएगा, फाइव। ट्रिकोडोंट टीथ का जो ऊपर हुआ था सेकेंड नंबर ऑप्शन, ठीक है, दे आर इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। वैसे ही सीरोसा क्या होगा, सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो आउटर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स। ओके, तो
करेक्ट मैच आप कर लेंगे। करेक्ट मैच क्या आएगा? बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज, वंस अगेन हमें फिर से मैच करना है। मैच द टू कॉलम्स एंड सेलेक्ट द राइट वन एमंग ऑप्शन गिवेन। कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करेंगे हम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या होता है? यू शेप्ड स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टोमैक। तो ड्यूडेनम का क्या हो जाएगा? थर्ड। एपिग्लॉटिस क्या होता है? कार्टिलेजनस फ्लैप होता है, तो एक कार्टिलेजनस फ्लैप। ग्लॉटिस के ऊपर ही तो एपिग्लॉटिस होता है, तो ग्लॉटिस क्या हो गया? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज सिकम। सिकम क्या होता है? स्मॉल ब्लाइंड सैक। ठीक है, तो मैच कर लेंगे। और मैच करने के बाद करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सी। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। मैच द एंजाइम विद देयर रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट एंड चूज द राइट वन एमंग ऑप्शन गिवेन। हमें एंजाइम्स को उसके सबस्ट्रेट से मैच करना है। तो लाइपेज का सबस्ट्रेट क्या होगा? लाइपेज का सबस्ट्रेट होगा फैट्स। ठीक है, फैट्स का ब्रेक डाउन करता है लाइपेज। वैसे ही न्यूक्लियज का सबस्ट्रेट क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का सबस्ट्रेट होगा प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओज। वहीं डाइपेप्टाइडेज का सबस्ट्रेट होगा डाइपेप्टाइड्स। ठीक है, तो इसे मैच कर लेंगे। तो ऑप्शन आएगा करेक्ट क्या? 7 का डी, दैट इज ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बींगिज। तो ह्यूमन बींग का डेंटल डेंटल फार्मूला क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इज एसोसिएटेड विद वेरियस फंक्शंस, चूज द वन विच इज नॉट करेक्ट। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का और एसोसिएटेड होता है वेरियस फंक्शंस से। तो हमें वो चूज़ करना है जो कि लीवर के लिए करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये करेक्ट है। सेकेंड डाइजेशन ऑफ फैट्स, यस ये हेल्प करता है। कैसे? प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स। फॉर्मेशन ऑफ बाइल, ये करेक्ट है। ठीक है, बाइल जूस फॉर्म करता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिक, ये रॉन्ग हो गया। गैस्ट्रिक हार्मोन को सिक्रीट करता है, गैस्ट्रीन यहाँ होना चाहिए था। ओके, गैस्ट्रीन, तो गैस्ट्रीन हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है? जी सेल्स। ठीक है, जी सेल्स सिक्रीट करते हैं, जिन्हें हम गैस्ट्रीन सेल्स भी बोलते हैं। और ये पाए जाते हैं पाइलोरिक रीजन में, स्टोमेक के पाइलोरिक रीजन में। ठीक है, तो गैस्ट्रीन लीवर के द्वारा सिक्रीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमें रॉन्ग ऑप्शन बताना था कि विच वन इज नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्क द राइट स्टेटमेंट एमंग द फ्लोइंग। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। फर्स्ट है ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, करेक्ट है। ट्रिप्सिनोजन क्या होता है? इनएक्टिव एंजाइम होता है, इसे एंटेरोकाइनेज बदलता है ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन क्या होता है? एक्टिव एंजाइम। तो यह फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड, ट्रिप्सिनोजन इज सिक्रीटेड बाई इंटेस्टिनल म्यूकेसा, ये रॉन्ग हो गया। ट्रिप्सिनोजन कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होता है। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन इज एंटेरोकाइनेज इज सिक्रीटेड बाई पेनक्रियाज, ये भी रॉन्ग हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है एंटेरोकाइनेज। ओके, नाउ फोर्थ ऑप्शन इज बाइल कंटेन्स ट्रिप्सिन, ये भी रॉन्ग हो गया। बाइल जूस में ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है। सो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।